शंख धीरे बजाई अन्यथा महारानी जी की निद्रा खुल गई तो आपको हमेशा के लिए निद्रा में सुला देगी और फिर आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। चुप रहो मूर्ख, महारानी को निद्रा से ही तो जगाना है। सैनिकों, युद्ध का कोई समय नहीं होता है, कभी भी युद्ध हो सकता है। अतः असली सैनिक वही होता है जो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहता है। हम किसी से भयभीत नहीं होते, हम शत्रु को लोहे के चने चबवा देंगे। अब भी आप यही कहेंगे बीरबल, ये लोग ललकार के लिए तैयार नहीं हैं। जहाँ पाना किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले नीचे चलकर देख लेते हैं माजरा क्या है। आइए तलवार लाओ। जहाँ पाना ये तलवार तो अत्यंत ही भारी है, हमारे तो हाथ में पीड़ा होने लगी। कुछ हल्का सा उठा लेते हैं। न तीर से न तलवार से युद्ध जीतेंगे भाले के वार से। भाला लेके आओ। सैनिकों, अब हम तुम्हें भाला चलाना सिखाएंगे। अरे खड़े खड़े हमें क्या देख रहे हो? जाओ भाला लेके आओ और हमारे पीछे खड़े हो जाओ और चार सैनिक आगे आ जाओ। बहुत अच्छे, भाला ऐसे पकड़ो और ये महारानी देख रही हैं या नहीं? अवश्य छिपकर देख रही होंगी हमारी बहादुरी। सैनिकों, चापर आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे बीरबल। देखा आपने, हमारे खिलाफ यलगार की तैयारियां शुरू हो गई है, यहाँ वो भी आधी रात में। जहाँ पना ये सिर्फ एक नाटक है हमें डराने के लिए। अच्छा, अभी अभी भाग कर अपनी जान बचा कर आए हैं हम लोग और आप कह रहे हैं नाटक चल रहा है। ये सिर्फ एक नाटक है, मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। यहाँ पे हीरे की खदान नहीं है, ये तो आप साबित कर नहीं पाए, अब ये साबित करने चले हैं। जहाँ पना, विजयनगर की रानी को ये अच्छी तरह पता है कि उनकी फौज हमारी फौज के सामने नहीं ठहर पाएगी, इसीलिए ये नाटक रचा जा रहा है। अरे ये दोनों तो इधर देख ही नहीं रहे, आपस में ही मंत्रणा कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सच्ची? क्या उपहास करते हो मित्र? पेट में पीड़ा हो गई। पंडित रामाकृष्ण इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? माधवपल्ली राज्य के महाराज पधार रहे हैं। पधारिए महाराज, विजयनगर में आपका स्वागत है। चापना, ये पड़ोसी राज्य माधवपल्ली के राजा वेंगुस्वामी है। हमें यहाँ क्या अपमानित करने के लिए बुलाया गया है पंडित रामाकृष्णा? ये इतने तीव्र स्वर में क्यों बोल रहे हैं? कहीं उन्होंने सुन लिया तो? ये आखिर बात क्या कर रहे हैं? हमारी स्वागत के लिए और कोई क्यों नहीं आया? स्वागत और कोई तो नहीं आया महाराज, ये हमारा घोर अपमान है। Thank you.
राजा दूसरी रियासत में अभी शमशीर निकालता है, इसका मतलब तो आप अच्छे से जानते हैं ना बीरबल, जबकि हम आपके साथ हैं। नहीं नहीं महाराज, वो महारानी ने आप सभी का स्वागत करने के लिए मुझे भेजा है। वो हुआ यूँ है कि मुगल महाराज बिना कोई पूर्व सूचना दिए हमारे राज्य में आ गए हैं और हमारे अतिथि बन गए हैं। अब ऐसे में यदि वो आपको और आपके लोगों को देखते हैं तो कहीं उन्हें संदेह ना हो जाए कि हम और आपका राज्य मिलकर उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। इसी कारण महारानी ने अपने वर्षगांठ का समारोह भी स्थगित कर दिया ताकि आप लोगों पर कोई संकट ना आए। तो मैं महारानी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ और आपसे क्षमा याचना भी करता हूँ। यूं हाथ जोड़ना इस बात का सबूत है कि हमारे खिलाफ यलगार की तैयारियां हो रही हैं। और आप कह रहे थे कि ये नाटक चल रहा है। महारानी की ओर से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें महाराज। तीरे तो ऐसे बांट रहे हैं जैसे शब्बे बारात के पताशे। आइए महाराज, पधारिए पधारिए महाराज, आइए आइए। महाराज विजय प्रताप पधार रहे हैं। अब ये कौन है? जहां पना ये पड़ोसी राज्य रायगढ़ के राजा हैं। काफी लाभ और लश्कर के साथ आए हैं। हाँ जहां पना सुना है कि इनका राज्य बहुत शक्तिशाली है। हमारे खिलाफ हीरों की बिसात बिछा रहा है विजयनगर, और इन्हीं हीरों की बदौलत ताकतवर भी होता जा रहा है। महाराज शाही राव और भी लोग आ रहे हैं। इनका यहाँ इकट्ठा होना एक पैगाम है कि अलगार हो के रहेगा। जहाँ पना ये एक पैगाम है कि पंडित रामकृष्ण की ये सबसे बड़ी चाल है हमारे दिमाग में खौफ पैदा करने के लिए। जलालुद्दीन अकबर को कोई खौफ ज्यादा कर दे ऐसा इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। जहां तक जंग की बात है हमारी फौज भी तैयार है। जहां पना ये जंग फौज की नहीं है, ये जंग अकल की है। और इस जंग में सिर्फ दो ही सिपाही हैं, एक हम और एक पंडित रामकृष्ण। अब देखते हैं कि इस लड़ाई में जीतता कौन है। खेल तो प्रारंभ हो चुका है और इस खेल में दो खिलाड़ी हैं, एक मैं दूसरा बीरबल। जहां बना हमें बस कल तक का वक्त दे दीजिए। अगर कल तक हम ये साबित नहीं कर पाए तो जो आपका हुक्म होगा वही होगा। बस कल तक का समय शेष है, फिर बांध का जल खुलने से कोई नहीं रोक सकता। शुक्रिया जहां बना। ये आपने क्या किया पंडित रामकृष्ण? हमारे जन्मदिन का नाटक करने की क्या आवश्यकता थी? देखिए आसपास के राज्यों के सभी राजा यहाँ पधार चुके हैं, वो भी बहुमूल्य भेंटों के साथ। प्रातः काल से उनसे भेंट करके शुभकामनाएं और उपहार ले लेके थक चुके हैं। महारानी हम तो पहले से ही कहते आए हैं ये जब भी करेंगे गुड़ और गोबर ही करेंगे। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जब भी करेंगे गुड़ का गोबर ही करेंगे। हाँ। अब देखिए झूठा जन्मदिन मनवा रहे हैं आपका। हम तो कहते हैं आज इन्हें दंड दे ही दीजिए। क्यों महामाती? हाँ इन्हें तो दंड मिलना ही चाहिए। इनके असत्य कथन का परिणाम है कि मुगल सेना विजयनगर की सीमा तक आ गई है। हाँ। हाँ। और कभी भी आक्रमण कर सकती है।
क्या? हे भगवान, पंडित रामाकृष्णा जी ये क्या सुन रहे हैं हम? आपने तो कहा था कि आपकी युक्ति विफल नहीं होगी, फिर ये सब? नहीं नहीं महारानी जी, भले ही मुगल सेना हमारी सीमा तक आ गई है किंतु युद्ध नहीं होगा। मेरी युक्ति यूं विफल नहीं हो सकती। मैं तो ये सोचकर अचंभित हूँ कि इतना सब कुछ देखकर भी महाराजा अकबर भयभीत क्यों नहीं हुए। शहंशाह अकबर पधार रहे हैं। तथा वो क्षण आ ही गया जब महाराजा अकबर महारानी को चुनौती देने आ गए हैं। अब हमारा राज्याभिषेक होने से कोई नहीं रोक सकता। विजयनगर के राज दरबार में आप दोनों का स्वागत है। जापना, हमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही कहिएगा, फिर देखिए कैसे सच सामने आता है। महारानी साहिबा, आपकी मेहमान नवाजी के हम कायल हो गए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम मेहमान से मेजबान बन जाए। चौंकिए मत, हमारे कहने का मतलब है कि विजयनगर पर दिल्ली सल्तनत का परचम फैलाने का वक्त आ गया है। विजयनगर और दिल्ली सल्तनत के बीच जंग का ऐलान करने आए हैं हम। कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मणिचार्य जी, अब तो हमें कटोरा तैयार कर लेना चाहिए। हाँ, एक हमारे बुड्ढे के लिए भी। जंग होगी, बेशक होगी। महारानी, महाराजा अकबर आएंगे और आपको युद्ध की धमकी भी देंगे, किंतु आपको भयभीत नहीं होना है, अपितु पूरे साहस के साथ निडरता से उनको चुनौती देनी है। महाराज अकबर, वैसे अच्छा हुआ आपने स्वयं ही युद्ध के बारे में बात की, वरना हम तो चिंतित हो रहे थे कि हम आपसे युद्ध के बारे में कैसे बात करें, क्योंकि आप हमारे अतिथि जो है। युद्ध तो हम भी चाहते हैं, अब दक्षिण वालों का राज उत्तर में भी होगा। कभी भी युद्ध हो सकता है, अतः असली सैनिक वही होता है जो सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहता है। तारीख गवाह है महारानी साहिबा कि मुगलिया फौज ने जब जब जिस जिस रियासत पे धावा बोला है, उस सल्तनत को नस्तनाबूद करके लौटी है। आप एक बार विजयनगर के साथ युद्ध करके देख तो लीजिए, हमें पूर्ण विश्वास है। विश्वास क्या, हम आपको वचन देते हैं कि आप अपनी सोच बदल लेंगे। जहां अपना यकीन मानिए, ये हीरे हीरे की खदान, आस पड़ोस के राजाओं का यहाँ आना,
ये सब दिखावा है, ये पंडित रामकृष्ण की चाल है हमें डराने के लिए। जापना, आप विजयनगर की सरहद तक फौज को कूच करने का हुक्म दीजिए और महारानी को जंग की खुली धमकी दीजिए, फिर देखिए उनके पास सच बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। सुना आपने बीरबल, इनकी फौज जंग के लिए तैयार है, दक्कन की सारी रियासतें हमारे खिलाफ खड़ी हैं, और ऐसे में अपनी फौज को बिना किसी तैयारी के भेजना खुदकुशी होगी। इसका अब एक ही रास्ता है कि ये जंग नहीं होनी चाहिए। जंग तो हम भी नहीं चाहते, जब बातों से समस्या का हल निकल सकता है तो जंग की क्या जरूरत है। जंग सिर्फ तबाही का पैगाम लाती है। भजा फरमाया आपने जापना, जंग को तो रोकना ही होगा। महारानी साहिबा, जंग से ना आप पीछे हटना चाहती हैं और ना ही हम, लेकिन हमारे जहन में एक सवाल आया है कि जंग की एक वाजिब वजह तो होनी ही चाहिए जो हमें दिखाई नहीं दे रही। वैसे भी आपकी नदी का पानी बंद करके शुरुआत तो हमने ही की थी, इसीलिए आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पहल भी हम ही कर रहे हैं। बच गए मणिचार्य जी, और वादा करते हैं कि कृष्णा नदी पे बने बांध को हम खोल देंगे। अरे नहीं नहीं जहांपना, ऐसा कदापि मत करिएगा। यदि कृष्णा नदी में जल प्रवाहित हो गया तो हमारे हीरो की खदानों का क्या होगा? उन्हीं हीरो के कारण तो हम, हमारा राज्य सर्वशक्तिशाली बनने वाले हैं, क्यों महारानी? यही तो हम नहीं चाहते और ना ही हम ऐसा होने देंगे। अब बस भी कीजिए पंडित रामकृष्णा, और कितना अभिनय करेंगे। हीरो के खदान का तो हमें इल्म नहीं पंडित रामकृष्णा, लेकिन जो गलती हमने की है उसे हम बदलेंगे। और हमने अपना पैगाम दिल्ली भेज दिया है, कल तक कृष्णा नदी में पानी पहुंच जाएगा। रे रे। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गुरुवर, क्या वाह वाह कर रहे हैं, ये तो दुख की बात है ना? अरे हाँ, हमें तो दुखी होने का अभिनय करना है। ए मूर्खो, दुखी होने का अभिनय करो। हाँ हाँ महारानी, हम और जहांपना यहाँ ये देखने आए थे कि हीरो की खदान है या नहीं, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे, यहाँ हीरे की खदान हो या ना हो, लेकिन एक कोहिनूर हीरा जरूर है। पंडित रामकृष्णा, ये देखो अपने बड़ों जल की कोयला हो गए, कोयला वो कोहिनूर, ये कोयला। पूरे जीवन भर में इतना सम्मान नहीं पाया इन्होंने जितना पंडित रामकृष्ण ने पा लिया आज। ऐसे ही सब लोग थोड़ी ना कहते हैं, समस्या विकट रामा प्रकट। आज फिर पंडित रामकृष्ण ने हमारे महाराज कृष्णदेव राय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। अपनी सूझबूझ और बुद्धिमता के कारण दिल्ली सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य जो शत्रु बन सकते थे मित्र बन गए।
और विजयनगर का जल संकट भी समाप्त हो गया। हम तो सदैव ये कहते हैं कि समस्या चाहे कितनी हो विचित्र, हल करके ही मानते हैं हमारे परम मित्र। परंतु देखना ये है कि अब कौन सी चुनौती आने वाली है पंडित रामाकृष्ण के समक्ष। जो भी आएगी हमें पूर्ण विश्वास है उसे भी हल कर ही लेंगे पंडित रामाकृष्ण।